नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। सर कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम कॉम प्रीवियस ईयर के पेपर स्टैटिकल एनालिसिस पे। ठीक है, हमारा जो पेपर है आज का वो एम कॉम। ठीक है, एम कॉम फर्स्ट ईयर का है पेपर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो इसको देखेंगे ये कैसा पेपर है। ठीक है, इसमें कितने न्यूमेरिकल और कितनी थ्योरी आई हुई है, ये आपकी आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें ये जो हमारा पेपर है पूरा तीन पार्ट में डिवाइड है, ए बी और सी। ठीक है, ए में जो हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चन है, बी में हमारे दस दस नंबर के, और सी में हमारे 15-15 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके इसमें 10 क्वेश्चन है और इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, और सेक्शन सी में कुल 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये हमारा पेपर का पैटर्न होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए पहले देखेंगे और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं तो देखेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, 50 वर्ड में आपको लिखना है। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन का आंसर है कितने में लिखना होगा आपको, 50 वर्ड में। 50 वर्ड का मतलब होता है एक पेज, मान के चलिए आप अप्रोक्स लिखते हैं आप इस पे। तो चलिए देखेंगे आपके सामने, देखिए, इन जनरल व्हाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस When do they consider, right? तो ये क्वेश्चन है क्या कि सामान्यतः दो प्रतीकमान रेखाएं क्यों होती हैं, वह कब एक दूसरे को ढक लेती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब एक दूसरे को ढक लेती हैं। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा था क्यों होती हैं, ये सेक्शन बी में भी कई बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में व्हाट इज इंटरपोलेशन, हाउ डज इट्स डिफर फ्रॉम फोरकास्टिंग, अंतर्गणन क्या है और यह पूर्वानुमान से किस प्रकार भिन्न है, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता में स्वतंत्र एवं पारस्परिक अपवर्ती घटनाओं के विचार को समझाइए। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद आगे देखिए, सैद्धांतिक आवृत वितरण का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन दिया है। गुण संबंध और सहसंबंध में अंतर और सार्थकता परीक्षण से आप क्या समझते हैं, फिर असंजन उत्कृष्ट का काई परीक्षण क्या है। ठीक है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाए तो प्रत्येक बार हेड आए, इसकी क्या संभावना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्या होता है, डिस्कस नल हाइपोथेसिस। फिर सेक्शन बी की शुरुआत होती है। देखिए सेक्शन बी में आप समझ लीजिए कि हर क्वेश्चन में जो है एक आर लगा के क्वेश्चन दिया होगा, तो हमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। 5 क्वेश्चन होंगे, सब में एक आर लगा होगा, उसके साथ देना होगा। 200 वर्ड लिखने होंगे, 200 वर्ड मान के चलिए 3 पेज आपको कम से कम लिखना है। फोर स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ बस इन विच देयर वाज 6 एम्प्टी सीट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वाज कैन देयर बी सीटेड। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है कि 4 अजनबी यात्री एक बस में बैठे हैं जिसमें 6 सीटें जो सीटें खाली थी, कितने प्रकार के भिन्न भिन्न तरीके से वो बस में बैठ सकते हैं, ये क्वेश्चन है, थ्योरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का दिया हुआ है, अब देख लीजिए इसको साथ में, इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए अपना काम के लिए है आपके। तो और अनसर्टेनिटी इज द स्टैटिकल डिसीजन प्रॉब्लम इन इनएविटेबल कमेंट। ठीक है, सांख्यिकी निर्णय समस्या में अनिश्चितता दूर नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन है। इसका आर लगा के दिया हुआ है, ये देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिकल एरर, पॉइंट आउट इट्स सिग्निफिकेंस इन स्टैटिकल मेथड्स। फिर प्रमाप विवरम से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी विधियों में इसकी महत्ता इंगित कीजिए, ये भी थ्योरी दी गई है। और इसके बाद अगला चैप्टर आप जो है, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतिगमन गुणांक की गणना कीजिए, रिग्रेशन कोफिशियंट फॉर द डाटा गिवन बिलो। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ये अगला क्वेश्चन जो है देखिए, यहां से निम्नलिखित तालिका में 45 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, ये भी न्यूमेरिकल है। अगर आप बिल्कुल न्यूमेरिकल तैयार नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा, यानी पूरी तरीके से थ्योरी पे आप डिपेंड होके नहीं जा सकते। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये भी आपका जो एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, एट्रीब्यूट से पार्शियल एट्रीब्यूट निकल के आएगा, यहाँ पे लगाएंगे इसको। देखिए
ये इसमें आर लगा हुआ, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। और इसके बाद टेस्ट वेदर बोथ द सैंपल कम फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सम वेरिएंस, ये निकालना है। और ये पूरा देखिए क्वेश्चन, और जब देखते ही जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे जब जा रहे हैं, तो काई स्क्वायर ट्री से रिलेटेड है क्या। डिस्क्राइब द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड स्टेट द वेरियस यूजेस टू विच इफ कैन बी पुट, सार्थकता के काई परीक्षण का वर्णन कीजिए और उसके विभिन्न उपयोगों को बताइए। अगला एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, और ये कई बार पूछा गया, सांख्यिकी गुण नियंत्रण चार्ट की उपयोगिता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसको तैयार रख लीजिए। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 2 ही करने होंगे, ये भी ध्यान रखना है। 500 वर्ड के क्वेश्चन को करना है, 500 वर्ड यानी मान के चलिए 5 पेज और 6 पेज आप लिख डालिए तो हो जाएगा। लिखा इन द पार्शियली डिस्ट्रॉयड लाइब्रेरी रिकॉर्ड ऑफ द एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सेम डिजाइन मतलब ये सॉरी सेम डिजिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना कई बार ये पूछा गया, सेम डिजिट पूछा गया, इसे ऐसे इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप इसको देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये जो है इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन से रिलेटेड है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर है। पहला जो था रिग्रेशन एनालिसिस का था, दूसरा इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन से था, फिर ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और इसके बाद 10 नंबर जो है ये वो है, देखो इधर, हाँ तो इसको देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये भी दिया गया है। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस, हाउ इज द एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेबल सेटअप एंड हाउ इज टेस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्म, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ दैट टेस्ट, प्रसरण के विश्लेषण का अर्थ एवं उपयोगिता बताइए, प्रसरण विश्लेषण तालिका की रचना किस प्रकार की जाती है, था उस पर आधारित परीक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। ये था, और ये हमारा 2020 का पेपर था, इसको आपने देख लिया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इससे पुराने पेपर भी हमने आपको दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट करके देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी हमने बता रखे हैं और क्वेश्चन बता रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत है, आपको नोट्स चाहिए, अगर नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में रिटर्न नोट्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको, और व्हाट्सएप नंबर पे हमारे कॉन्टेक्ट करें, आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।